और रही बात के सिविलाइजेशन और हिस्ट्री, तो अनम आप सिविलाइजेशन तो शरिया बोलेगा, बोरा में ढक लो औरत को, शरिया बोलेगा चार शादी कर लो, शरिया बोलेगा हलाला के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन करा लो, शरिया बोलेगा कि तुम छोटी छोटी बच्चे से निकाह कर लो, शरिया बोलेगा कि हिंदू को पकड़ करके बंदूक के गोली पर तुम उससे उसको इस्लाम धर्म का कबूल करवाओ। तो ये बातें तो हमारे यहाँ नहीं हो सकती ना, और ये बातें अब बर्दाश्त भी नहीं होंगी यहाँ। तो ये पार्ट तो आपका निकल ही गया, आपके प्राइम मिनिस्टर इस पर क्या बात करेंगे। अब आते हैं हिस्ट्री पर। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपनी वर्चुअल वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या बात करेंगे हिस्ट्री के ऊपर, कि उन्होंने हाफिज सईद पाला, उन्होंने अजमल कसब पाला, उन्होंने उसामा बिन लादेन पाला, उन्होंने अजमुल मुजाहिदीन पाला, उन्होंने टेररिज्म पाला, उन्होंने टेररिस्ट टेररिस्ट को पाला, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बंदूक चलाना सिखाया, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को और तमाम पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान से नफरत करना सिखाया, उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को काफिर बोलना सिखाया। ये हिस्ट्री पे बात करेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर, किस बारे में बात करेंगे? क्योंकि आपकी देश की तरक्की के बारे में तो आपके प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे नहीं। मैम सॉरी, आपको पाकिस्तान यहाँ पे के लोग, कट रही हूँ, लेकिन आपने कहा छोटे छोटे बच्चियों के साथ शादी कर ले, तो इंडिया के अंदर भी मैंने बहुत से रेप केसेस देखे हैं, तो मतलब हाईलाइट भी हुए हैं, मैंने इंडियन मीडिया पे ही देखे हैं बहुत सी ऐसी चीजें। लेकिन मतलब ये अगर सिचुएशन देखे तो आपको नहीं लगता ये दोनों तरफा है, पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है? हमारे यहाँ छोटी बच्चियों की जब शादी होती है ना, तो उसके लिए, उसको बैन करने के लिए हमने चाइल्ड मैरिज एक्ट निकाला और 9 साल की सजा निकाली। आपने क्या निकाला अनम, आपने क्या निकाला? हमारे यहाँ बलात्कार होता है ना, तो कुछ थ्री भी नहीं, सेवेंटी ये सिक्स बात हमारे यहाँ बलात्कार होता है ना, तो 376 हमने निकाला और कन्विक्शन में उम्र कैद की सजा निकाला। आपने क्या निकाला? आपके पाकिस्तान की सरकार ने क्या निकाला? हमारे यहाँ कन्वर्शन होता है ना, तो उस पर भी कानूनी कानूनी एक्ट है और 3 से 9 साल की सजा है। आपने क्या निकाला? आपकी सरकार ने क्या निकाला? हमारे यहाँ छोटे बच्चों का के साथ अगर कोई बलात्कार करता है ना, तो पॉक्सो एक्ट है, और पॉक्सो एक्ट में अनम हमारे यहाँ बेल पिटिशन नहीं फाइल हो सकता। ये हमारे हमारे मेंबर पार्लियामेंट हाउस का बिल हुआ, स्मृति ईरानी जी ने पास किया था, कोई बेल पिटीशन नहीं, सड़ने दो अंदर अगर किसी छोटे बच्ची बच्ची का रेप होता है। आपकी सरकार ने क्या निकाला? हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की पेच टाइट करने के लिए, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का टेररिज्म माइंड को फिनिश करने के लिए, वैनिश करने के लिए हमने कानून सख्त किया है, हमने संविधान सख्त किया है। आपने, आपकी सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं, जवाब ही नहीं है अनम आपके पास, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। ओ रेप हो रहा है, होने दो। ओ अच्छा कन्वर्शन हो रहा है, होने दो। तो शरिया के नाम पर जितनी बदतमीजियां और शरिया के नाम पर जितनी भी कुप्रथा और शरिया के नाम पर जितनी गंदगी, वल्गैरिटी और जितनी ठरक और अय्याशियां होती आई हैं, उसको बंद करने के लिए हमारे हिंदुस्तान का कानून सख्त है और उसको और सख्त बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड ना, जिस पर अभी हिंदुस्तान के मौलवी मुल्लाओं को हार्ट अटैक आ रहा है। चलिए अब उस बात पर नहीं आकर के आपके टॉपिक पर आते हैं। इंडिया ट्राई कर रहा है, ये जो एससीओ की मीटिंग जिसके लिए आप लोग बहुत खुश हो रहे हो, हमारे पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं वो तीर मार लेंगे, वो तो एकदम जंग फतह करके चले आएंगे, वो जमाना लग गया। इंडिया सेटअप कर रहा है नए पिलर्स को विद द कॉपरेशन अंडर चेयरमैनशिप, जितने भी एससीओ के चेयरमैनशिप हैं, जिसमें स्टार्टअप और इनोवेशन किया जा रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन को। अब आपके यहाँ बहुत महंगा है मेडिसिन, हम जिस चीज को 50 रुपए में खरीदते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, आप उस चीज को 150 रुपए में खरीदती हैं। डिजिटल इंक्लूजन को हम लोग प्रमोट करने हैं और उसको और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपके यहाँ वाईफाई नहीं टिकता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं टिकती है,
तो फिर आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बात क्या करेंगे? यूथ एम्पावरमेंट को हम लोग और एम्पावर करना चाह रहे हैं, ये मैं टॉपिक बता रही हूँ जो होने वाला है कल, यूथ एम्पावरमेंट। इससे कोई मतलब ही नहीं है आपके पाकिस्तान के गधेड़ों को, आपके जितने भी सरकार बैठे हुए हैं उन गधों को, ये सिर्फ गधा भेजते हैं चाइना को। तो गधा बेचने वाला जो देश होता है इस्लामिक देश, उसके अंदर भी तो गधेड़े ही रहते होंगे ना। तो यूथ एम्पावरमेंट से क्या लेना देना है? अरे शरिया थोड़ी कहता है पढ़ने के लिए, इंजीनियर डॉक्टर और साइंस बनने के लिए, हा क्या बात कर रहे हैं आप। तो इस बारे में तो कोई बात ही नहीं हो सकती क्योंकि आप लोग का इस्लामिक देश है। तो इस्लामिक देश यूथ को एम्पावरमेंट करने के लिए क्या होता है, एडुकेशन को इम्प्रूव किया जाता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव किया जाता है, यूथ को जागरूक किया जाता है कि कैसे कैसे आप और अच्छी अच्छी चीजें अचीव कर सकते हैं। आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, साइंस बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, फाइटर जेट चला सकते हैं, आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, और सिर्फ मेल नहीं, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्योंकि शरिया जो इस्लामिक देश होता है उसमें औरत का काम होता है बच्चा पैदा करना, लड़की का काम होता है कम एज में शादी कर लेना, लड़की का काम होता है बर्तन धोना, लड़की का काम होता है बच्चा पालना, बच्चों को दूध पिलाना, अपने हस्बैंड को खुश करना, ये सब लड़कियों का काम होता है। पर हमारे इंडिया में ये काम नहीं है सिर्फ लड़कियों का। लड़कियां अगर बच्चा पैदा कर रही हैं, मैं खुद 13 साल के बेटे की माँ हूं, 13 साल का बेटा है माशाल्लाह मेरा, तो राइट नाउ आई एम अ रेनाउंड लेडी, पीपल नोज मी वेरी वेल, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन आप अपने पाकिस्तान से पूछिए, आप इंडोनेशिया से पूछिए, आप लंदन से पूछिए, आप ऑस्ट्रेलिया से पूछिए, लीबिया से पूछिए, जुर्किस्तान से पूछिए, दे नोज मी वेरी वेल एज अ रेनाउंड स्पोक पर्सन। तो यूथ एम्पावरमेंट सिर्फ मर्दों के एम्पावर से नहीं होता है, यूथ एम्पावरमेंट मतलब मेल एंड फीमेल बोथ। तो वो इसके बारे में भी आपके शहबाज शरीफ क्या बात करेंगे, क्योंकि वो अगर थोड़ी सी भी बात करेंगे तो हमारी तरफ से पूछा जाएगा कि आप लड़कियों के लिए क्या क्या सोच रहे हैं, तो फिर वो तो कहेंगे कि हमारा शरिया तो लड़कियों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं देता है। भाई शरिया तो आपको अकेले हज पे जाने की इजाजत नहीं देता है, अल्लाह के घर जाने की इजाजत नहीं देता है, हज क्या है, अल्लाह का घर है। तो जब आपका शरिया आपको अल्लाह के घर मक्का मदीना अकेले जाने की इजाजत नहीं देता है, तो फिर आपको कुछ बनने की इजाजत क्या देगा। हमारे हिंदुस्तान से महिलाएं अकेले हज पे भी जाती हैं। अब इसके बाद क्या आता है कि बुद्धिस्ट और जितने भी हेरिटेज चीजें हैं उसको हम लोग और कैसे पॉलिश कर सकते हैं और कल्चर में ला सकते हैं, इन चीजों पर तबसरा। तो आपके हेरिटेज में क्या है जिन्ना, आपके हेरिटेज में क्या है? सॉरी कट कर रही हूँ, ये एक सवाल है मेरा। आपने जैसे शहबाज शरीफ के बारे में बताया कि वो इस तरह इस तरह कार्य करेंगे, उनके लिए टेररिज्म कम करना, ये सारी चीजें आपने बताई है, तो मैं मतलब एक चीज सोच रही थी कि हम लास्ट जो कितने भी स्पीच देख ले हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की, तो एक वाहिद इमरान खान थे जो कि बड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब देते थे या स्पीच करते थे, तो जितने भी हमारे ये नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के इनकी पार्टी के अगर कहूँ स्पेशली शहबाज शरीफ, तो वो एक स्क्रिप्ट मतलब बोलते हैं जाके, एक पेपर वर्क जो कि किया होता है और वो ही जाके बोलते हैं। तो कल की आपको क्या लगता है कि कल की मीटिंग के अंदर क्या कश्मीर, क्या मुस्लिम्स और क्या कश्मीर का पुराना स्टेटस, ये तीन चीजें होंगी या कुछ और भी नजर आ रहा है? कुछ भी कर ले, कश्मीर हमारा है, इलीगल ऑक्यूपेंसी हम खत्म करके रहेंगे, 370 अबॉलिशमेंट हमने किया ना, कर लिया ना, इतना इतना भगदड़ मचाने के लिए के बाद भी, इतना गधेड़ों के जैसा खरखर खरखर चिल्लाने के बाद भी हमारा हमारा लद्दाख और श्रीनगर में SCO की मीटिंग हुई ना, G20 की मीटिंग हुई ना, कितनी लाविश और शानदार मीटिंग हुई है। तो कश्मीर पे कोई मुद्दा उठे या ना उठे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने हमारे हमारे जो मोटो है, हमारे जो गोल है, हमारा जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड है, इससे तो हमें कोई मिसगाइड कर ही नहीं सकता है ना। और
देखिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी शेर है और शेर के सामने एक गधा बैठने वाला है भैया। पहले तो ये आप मुझे बताइए कि सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस से खुसफुस खुसफुस करके पैसा जो मांग रहा था तो वो तो इनकार कर दिया ना, वो तो वैल्यू नहीं दिया, तो 3 दिन पहले की बात है। फ्रांस में जाके छाता छीना ना लड़की से, औरत से, जो अपने देश में करता है, औरतों को डिप्राइव करके रखा है शहबाज शरीफ, वही वो दूसरे देश में जाके करने की कोशिश करेगा। अभी आपने इमरान खान की बात कही है, कैरेक्टर वाइज वो सच में सबसे बड़ा ठरकी है। अ पार्ट ऑफ ठरकपन ऑफ इमरान खान, मैं ये जरूर कहूंगी, देखिए किसी की भी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम किसी की खासियत छुपाते नहीं है। इमरान खान में एक इमरान खान को ठरकी कहा है तो किस किस वजह से? मतलब अगर हम लड़कियों की बात करें तो वो इतने सोशलाइज हैं, और शायद मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं मेरे फेवरेट नहीं है, और ना ही मैं उनकी साइड लूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियां उनको इसलिए पसंद करती हैं कि वेल पर्सनैलिटी है या सोशलाइज है, मतलब इस तरह की चीजें हैं। तो वो मतलब लड़कियों का ठरक हुआ या फिर इमरान खान का, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि वो किस तरह से आप उनको ठरकी कह रही हैं। औरत अगर किसी से हंस के बात कर लेती है तो औरत को आवारा मुसलमान मत कहने से पीछे तो नहीं हटते हैं। तो इमरान खान ने अगर फोन पर ठरकपन निकाला है और घर में एक पूरा कुंबा बैठा लिया है शादी कर करके, तो उसको ठरकी कहने से मुझे क्यों डर लगेगा? आपको डर लगेगा? आपको डर लगेगा? हमारे हिंदुस्तान में तो हम नहीं डरते, औरतें तो बिल्कुल नहीं डरती हैं। जो ठरकी है वो है, जो ठरक जिसका ठरक ठरकपना बिल्कुल रेनाउंड हुआ है वो तो होगा ही ठरकी। अब मैं उनकी पॉजिटिविटी पे आ जाती हूँ। पॉजिटिविटी की बात यह है कि देखिए इमरान खान ने अपना एक फैन फॉलोइंग तो बनाया था, नो डाउट कि उन्होंने अपना एक फैन फॉलोइंग बनाया था। द सेकेंड थिंग इज कि जितने आज जिस तरह से क्रिकेट में उन्होंने अपना एक नाम कमाया था, एक रुतबा कमाया था, इवन हमारे इंडिया में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्रीमती ममता बनर्जी ने भी इमरान खान को फैसिलिटेट किया था, उनको उत्तरीय उत्तरीय पहनवाया था, पाकिस्तान के जो आपके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और इमरान खान को बहुत उन्होंने इज्जत दिया था, बहुत रिस्पेक्ट दिया था। ये वेस्ट बंगाल इंडिया की बात मैं बता रही हूँ। तो एक उन्होंने अपना एक फैन फॉलोअर तो बनाया था, और जिस तरह से वो अपनी स्पीच वगैरह रखा करते थे उसमें यूथ को एक एक जोश तो आता था। मैं इस बारे में नहीं चाहूंगी, मैं यूथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगी अनम, कि यूथ में लड़की होती है लड़का होता है, मैं ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगी, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरवर्ड हूँ और मैं मॉडर्न मॉडर्न ईरा की हूँ। तो यूथ उनकी बातों में कन्विंस होता था, और जिस हिसाब से वो यूथ को एक एनर्जेटिक कर रहे थे, बहुत कुछ करने की ताकत उनमें थी, क्योंकि एडुकेटेड भी थे, उन्होंने दुनिया घूमा हुआ था, वो शरिया लॉ वाला जो इतिहास था उससे वो बाहर निकल सकते थे। लेकिन बात यहाँ पर ये आ गई कि इस कदर उनका ठरकपन था और इस कदर उन्होंने चोरी कर ली थी, और उस चोरी का इतना ज्यादा उन्होंने सबूत छोड़ दिया है कि आज अगर चाहे ना पाकिस्तान की सरकार तो उनको उनको उम्र कैद की सजा पर बैठा सकती है, इतनी चोरी का सबूत उन्होंने छोड़ा हुआ है। तो करना बहुत कुछ चाहते थे वो, कर भी सकते थे, शायद कर भी सकते थे, क्योंकि जो इंसान पूरी दुनिया घूमा हुआ है तो, लेकिन इतना ज्यादा वो खुद को ही ह्यूमिलिएट कर दिया कि आज उसका उसका जो घर है वो एक बंद कमरा हो गया है। मान लो जैसे कि वो घर के ही जेल में रह गया हो, उसकी बात का अब कोई वैल्यू ही नहीं होता है। तो बात ये है कि आज जो पाकिस्तान पिछले 3 दिन से बहुत खुशी मना रहा है कि अरे अरे मोदी जी से मुलाकात हो जाएगी, मोदी जी से मुलाकात हो जाएगी तो कश्मीर की बात हो जाएगी, आए तो थे आपके बिलावल भी, बिल्लो रानी, तो हो गई थी कश्मीर की बात, कर लिया था कश्मीर की बात, हिम्मत पा लिया था कश्मीर की बात करने में, हिम्मत हुई थी कश्मीर की बात करने के लिए। खाइए पीजिए और चल दीजिए, हवा आने दीजिए, आ गए तो वेलकम, नहीं आए तो भिड़कम। सुना आपने अनम, कहीं ना कहीं आ गए कहीं तो ना कहीं वेलकम, नहीं आए तो आए भिड़कम। बिल्कुल, मैम कहीं ना कहीं हर एक प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का मुद्दा जरूर छेड़ देता है, लेकिन हम कहते हैं ना, कारामत कुछ भी नहीं नजर आता।
बातें कर लेने से क्या होगा, 75 सालों से बातें तो कर रहा है हर कोई आके, कश्मीर कश्मीर प्रायोरिटी वन पर कश्मीर रखा जाता है जुबानी, लेकिन किया क्या जा रहा है। ये आप किसके बारे में, हमारे हिंदुस्तान के बारे में कह रही हैं? ये हमारे हिंदुस्तान के बारे में कह मैं रही हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ, उनको बोलने दीजिए ना, मैं आपके पाकिस्तान की हमारे प्राइम सरकार, मिनिस्टर्स की बात कर। मैं आपके पाकिस्तान की सरकार को चवन्नी का वैल्यू नहीं देती हूँ, चवन्नी का, चवन्नी भी कीमत नहीं है उन लोगों की, आपके पाकिस्तान की सरकार की, हिंदुस्तान की। मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, मेरी नजरों में मुसलमान लड़की हूँ, मेरी नजरों में चवन्नी की औकात नहीं है पाकिस्तान की सरकार की। और रही बात कश्मीर की, 9 साल में भारत के प्रधानमंत्री ने ये साबित किया है कि हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया हो गया है, और ललकारने की जरूरत नहीं है, कश्मीर हमारी जान है और रहेगी। जो इलीगल ऑक्यूपेंसी है उनको हम हाथ पकड़ के निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं, और मुंह की भाषा ना समझेंगे ना तो दूसरी भाषा भी हमें आती है। ये मौन व्रत की सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है। अब आते हैं आपके फिर से टॉपिक पे, ये जो 4 जुलाई को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे है, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम होगा कि नेटवर्क ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, सही से बात हो भी पाएगी आप लोगों से, आपके आपके प्राइम मिनिस्टर से, कि हो भी नहीं पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो जो टॉपिक्स हैं वो आपके पाकिस्तान से रिलेटेड टॉपिक है ही नहीं, तो अगर वो कश्मीर की बात करना भी चाहेंगे तो मुंह की बात उनकी मुंह में ही रह जाएगी और पेट की बात उनकी पेट में ही रह जाएगी। अब आप कहेंगे कि अनम आप कहेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, तो मैं आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए एक सामान लेकर आई हूँ, उनको बोलिएगा ये इस्तेमाल करने के लिए। ये जेंट्स हैं की है, मर्दों का रुमाल है। पहला कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री के सामने बैठने से पहले शहबाज शरीफ को मुंह पोछने की जरूरत है, क्योंकि गधा शेर के सामने बैठने से पहले हिचकिचाएगा। और दूसरा, ये रुमाल इसलिए मैं शहबाज शरीफ को दे रही हूं कि उनकी शक्ल देखने से ही ना टेररिज्म की बू आने लगती है, तो मुंह पर, जैसे मुसलमान में ना नया नया दूल्हा निकाह पर जब बैठता है तो मुंह पर रुमाल रख करके बैठता है, उसी तरीके से शहबाज शरीफ को मेरी तरफ से कहिएगा कि मुंह पर रुमाल रख करके बैठे, क्योंकि वो मुंह खोलेगा ना तो कहीं ऐसा ना एहसास हो जाए हमें